नमस्कार, नवोदय प्लस टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सकीना। आइए देखते हैं आज की यह एक और ताज़ा खबर। झांसी जिले के कस्बा बबीना में पिछले एक सप्ताह से श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर यादव समाज समेत अन्य लोगों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा था और यादव समाज बबीना के तत्वावधान में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम की तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी थीं। यहां तक कि प्रशासन से कोविड-19 गाइडलाइन के प्रोटोकॉल के तहत शोभा यात्रा में 50 लोगों के शामिल होने की परमिशन भी कमेटी को प्राप्त हो चुकी थी, किंतु जब कमेटी ने देखा कि शोभा यात्रा में लोगों की संख्या बढ़ सकती है तो कमेटी ने एक दिन पूर्व ही शोभा यात्रा के कार्यक्रम को स्थगित करने की सूचना बबीना थाने में दे दी थी। लेकिन आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर समाज के कुछ लोग एकत्रित होकर शोभा यात्रा की तैयारियां करने लगे, जिसमें डीजे, घोड़े और देवी देवताओं के स्वरूपों की झांकियों में पात्र एक विवाह घर में तैयार हो रहे थे। तभी बबीना पुलिस को जानकारी हुई कि कुछ लोगों द्वारा शोभा यात्रा की तैयारियां की जा रही हैं, जिसमें काफ़ी संख्या में भीड़ जुटने की संभावना है, तो मौके पर पहुंचे सीओ सदर अरुण कुमार चौरसिया, उपजिलाधिकारी अतुल कुमार तथा बबीना थाना अध्यक्ष ब्रजेश बहादुर सिंह ने भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर शोभा यात्रा को रोक दिया और लोगों को तरतर बतर कर दिया, जिससे यादव समाज के लोगों में काफ़ी आक्रोश देखा गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर बबीना में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के निरस्त होने पर यादव समाज के लोगों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि कोविड-19 गाइडलाइन केवल धार्मिक आयोजनों के लिए ही बनाई गई है, भाजपा के कार्यक्रमों के लिए नहीं। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से विजय वर्मा के साथ गौरव कुमार की रिपोर्ट। जो नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद हनीफ और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। जैसा कि आपको विदित था कि आज कृष्ण जन्माष्टमी का दिन है और कृष्ण जी का ये कार्यक्रम यहां बबीना के यादव समाज के लोग मनाने जा रहे थे, लेकिन किन्हीं कारणों से कोविड गाइडलाइन के चलते ये कार्यक्रम प्रशासन की कोरोना गाइडलाइन की भेंट चढ़ गया। तो वहीं कमेटी ने भी कुछ ऐसे निर्णय लिए कि वो कोविड गाइडलाइन का अनुपालन नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने भी अपने इस कार्यक्रम को स्थगित किया है। हमारे साथ यहाँ पर कमेटी के कुछ मुअज्जिज लोग मौजूद हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम आपने क्यों स्थगित किया, क्या वजह रही है? जी, ऐसा हुआ है कि सबसे पहले हमारी कमेटी ने यहाँ से अनुमति ली थी, जिसमें कि कोविड-19 का जो प्रावधान था, जो उसका प्रोटोकॉल था, उसका पालन करने के लिए हमें कहा गया था, तो उसके अनुसार हमने उनसे अनुमति ले ली थी। लेकिन जब यहाँ पर अत्यधिक भीड़ हमें लगी और प्रशासन ने हमें मना किया, तो उसके बाद हमने उनकी आज्ञा का पालन करते हुए, उनकी बात को समझते हुए, हमने जो है इस कार्यक्रम को संक्षिप्त रूप में करने का प्रयास किया। लेकिन जब वो नहीं हो पाया तो हमने इसको निरस्त करने के लिए शासन से प्रार्थना की थी। आपके आज के दो कार्यक्रम प्रस्तावित थे, एक दोपहर में शोभा यात्रा का और दूसरा शाम को सांस्कृतिक मंचीय कार्यक्रमों का, तो क्या दोनों निरस्त कर दिए आप? जी हाँ, उन्होंने जो है दोनों कार्यक्रमों के पे ही रोक लगाई हुई है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि कोविड जो प्रोटोकॉल है उसके अनुसार जो है आप जो है सड़क के किनारे कार्यक्रम नहीं कर सकते, और वो हमें उसके बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, क्योंकि पहले से हमें जबकि अनुमति मिली हुई थी वहाँ कार्यक्रम करने की। लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा कि शासन ने वहाँ पर अब क्यों निरस्त कर दिया, ये समझ से परे है। आप क्या कहेंगे? हम तो ये कहेंगे कि हमें तो ये पूरा लग रहा है प्रशासन ने हमारी मदद नहीं की है। पहले हमें परमिशन दे दी थी, उसके बाद हम SDM साहब से मिले, CO साहब से मिले, थाना अध्यक्ष महोदय जी से मिले, तो हमें तो पूरा एहसास हो रहा है कि हमारे प्रोग्राम को जानबूझ के इन लोगों ने, प्रशासन ने निरस्त किया है, और हम काफ़ी उदास हैं। आज हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हम हिंदुस्तान में नहीं रह रहे हैं। इससे पहले आप क्या कहना चाहते हैं कि मतलब राजनीति की भेंट चढ़ गया आपका कार्यक्रम? बिल्कुल राजनीति या प्रशासन से, भाई भगवान जाने किसकी भेंट चढ़ा, मगर हम तो ये राजनीति की भेंट मानेंगे कि राजनीति की भेंट ही चढ़ा है। इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? एक बात बताइए, जब पास के ही जिले, मतलब हमारे ही जिले में कल आशीर्वाद यात्रा के रूप में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्रोग्राम किया, उसमें बराबर भीड़ रही, और उस भीड़ को ज़्यादा से ज़्यादा एकत्रित करने के लिए यहाँ के नेताओं ने भी काम किया।
आज भी जिलाध्यक्ष जो नव नियुक्त जो है जिलाध्यक्ष बने हुए हैं झांसी में युवा मोर्चा से, उनके कार्यक्रम में 2 से 2.5 हज़ार गाड़ियां पहुंचने के लिए काम हुआ है। उनकी यात्रा बराबर निकल रही है सेमरी टोल प्लाजा से लगा करके झांसी जिला मुख्यालय तक। लेकिन सिर्फ इस कार्यक्रम को यादव समाज द्वारा आयोजित किया रहा है, इस कारण से इन लोगों ने हमारे कार्यक्रम को निरस्त कराने का पूरी ताकत लगाई है। पूरा प्रशासन हम लोगों के खिलाफ, जबकि हम लोग सिर्फ धार्मिक आस्था को लेकर के, कोई जातिवादी व्यवस्था नहीं थी, कोई राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी, और हमने सब लोगों से यही आग्रह किया था कि हम लोग सिर्फ धर्म का प्रचार करने के लिए आगे निकल रहे हैं और भगवान हमारे आराध्य हैं, इसलिए हमने किसी से कोई पैसा नहीं लिया। इसमें सिर्फ यादव समाज योगदान कर रही थी, बाकी कार्यक्रम करने वाले समस्त समाज के लोग थे, इसमें यादवों का कहीं कोई वो योगदान नहीं था। हमारे साथ सरासर अन्याय हुआ है और हम लोगों को जो है आगे भी कभी ना कोई प्रोग्राम नहीं, हम इस बात का खंडन करते हैं कि आगे भी फिर इस प्रकार के प्रोग्राम ना कराए सरकार। अगर हमें हमारे लिए गाइडलाइन है, आपके रथ यात्रा के लिए गाइडलाइन नहीं है, आपने तिरंगा यात्रा निकाली उसके लिए आपके पास गाइडलाइन कोई है ही नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति या कोई भी राजनीतिक व्यक्ति, राजनीतिक लोग किस प्रकार रैली, किस प्रकार से शोभा यात्रा, किस प्रकार से मंच सजा लेते हैं, लेकिन सिर्फ ये धार्मिक काम को व्यवधान पैदा करने के लिए पूरा काम किया गया है और हम इसका पूरे श्रेय से खंडन करते हैं। ईश्वर की आस्था हमारे हृदय में है, हम उसको रखते हुए अपने अपने घर पर बैठ के पूजा करेंगे। हमारा जो नुकसान हुआ, चलो वो ठीक है, बबीना भर के पूरे लोगों का जो है आस्था इसमें बहुत ज़्यादा डगमगाई है, सभी लोगों का विश्वास टूटा है सरकार से कि धर्म पक्ष की सरकार थी और उसने धर्म विरोधी कार्य किए हैं। आज जो यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में यादव समाज के लोग एक शोभा यात्रा निकाल रहे थे, तो उसे पुलिस प्रशासन ने रोक दिया है, क्या कारण रहा? दिनांक 28 अगस्त 2021 को आवेदक श्री अमित यादव और प्रदीप यादव इत्यादि के आवेदन पर एक कार्यक्रम की अनुमति जियो 19 जून के क्रम में दी गई थी, किंतु 29 अगस्त को आवेदक अमित यादव और प्रदीप यादव इत्यादि ने एक सूचना बबीना थाने में दी कि चूंकि प्रशासन ने सिर्फ 50 लोगों के अंतर्गत ही अनुमति दी है, लेकिन कार्यक्रम में 50 से अधिक लोगों की संख्या आएगी, इसलिए कमेटी द्वारा कार्यक्रम को स्थगित करने का फैसला लिया गया। साथ ही आवेदक ने थाने को यह भी सूचित किया लिखित में कि यदि इस कार्यक्रम को कोई भी करता है तो हम आयोजकों की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो इस क्रम में, उनके इस सूचना के क्रम में, प्रशासन द्वारा दिनांक 30 अगस्त यानी आज को पिछली अनुमति यानी कि 28 अगस्त को दी गई अनुमति को निरस्त कर दिया गया, साथ ही इसकी सूचना आयोजकों को विधिवत दे दी गई है। सर, आज भी सूचना दी गई थी कि अनुमति दोबारा से दी जा रही है, तो क्या करेंगे? जो भी प्रिवेलिंग जियो है, यदि उसकी शर्तों को पालन करते हुए आवेदक अनुमति का आवेदन करते हैं तो इसमें विचार किया जाएगा, आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सर, समय तो खत्म हो गया। तो ये आवेदकों की जिम्मेदारी है कि समय के अंतर्गत आवेदन करें निर्धारित पात्रताओं को पूरा करते हुए, ताकि पुलिस अपनी रिपोर्ट लगा के प्रशासन को दे और प्रशासन उसकी अनुमति विधिवत रूप से निर्गत कर सके। कमेटी ने सर 2 कार्यक्रम प्रस्तावित किए थे, एक दोपहर में शोभा यात्रा का और शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का, धार्मिक मंचीय कार्यक्रमों का, तो क्या शाम के कार्यक्रमों को भी निरस्त किया गया? इस जो आपने बताया 2 कार्यक्रमों की कोई लिखित सूचना अभी मुझ तक इस तरह से नहीं पहुंची है, यदि कमेटी मुझे अभी अवगत कराती है तो जो भी नियम है उनके अंतर्गत परमिशन दिए जाने पर विचार किया जाएगा। कमेटी के लोगों का कहना सर ये है कि रोड से कार्यक्रम आयोजित कर रहे थे इसलिए हमें रोक दिया गया, अगर किसी विवाह घर में कहीं करते हैं तो क्या परमिशन मिल सकती है? इसके जियो में कुछ नियम हैं, उनके अंतर्गत परमिशन दिए जाने का प्रावधान है, यदि उन नियमों का वो पालन करेंगे तो परमिशन दी जा सकती है, यदि पालन नहीं करेंगे तो प्रशासन द्वारा इसकी परमिशन नहीं दी जाएगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए, लेटेस्ट न्यूज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।